इस न्यूज के प्रायोजक है लक्ष्य अकेडमी बालाघाट। MPPSC हो या व्यापम या हो SSC और रेलवे की परीक्षाएं, अगर आपका सपना हो MBBS बनने का, PNST क्लियर करने का या फिर JEE के साथ इंजीनियर बनने का, इसके साथ ही 10th 12th में रैंक लाने का, तो आइए और जुड़िए क्वालिटी एजुकेशन से। 9th टू 12th ऑन सब्जेक्ट, 3 दिन का डेमो लेकर स्वयं निर्णय लीजिए। हमारा पता है गोंदिया रोड बालाघाट। वन परिचित लौगुर के वन अमले ने जंगल में प्रेशर बम रखकर वन्य प्राणी भालू को मारने वाले मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 21 प्रेशर बम बरामद भी किए गए। पकड़े गए आरोपियों में रामपिता धानुलाल संयाम 40 वर्ष, दिलीप पिता सुदेश सिंह परते 40 वर्ष, वहीं सुरेंद्र पिता किम्बत सिंह भलावी 41 वर्ष, तीनों ही खुरसुड़ निवासी शामिल है। जिनकी गिरफ्तारी के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल लिया, जिस पर वन अमले ने सभी आरोपियों पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया गया, जहां से न्यायालयीन अवरक्षा में आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को ग्राम बिजोरा के जंगल किनारे खेत में दोपहर 2 बजे गश्ती दल ने एक मादा भालू उम्र 4 वर्ष को मृत अवस्था में देखा था, जिसके प्रेशर बम चबाने से मुंह में फटने की वजह से उसकी मौत होना बताई गई थी। बताया गया कि आरोपी ने जंगली सुअर का शिकार करने के मकसद से प्रेशर बम जंगल किनारे खेत में रखे थे, जिसको खाने पर मादा भालू का मुंह फट गया और उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पकड़े गए आरोपियों को न्यायालय में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि पकड़े गए तीनों आरोपी अपने घर में प्रेशर बम बनाने का काम करते थे, जिसका उपयोग वे जंगली सुअर का शिकार करने में कर रहे थे। भालू की मौत के बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी छत्रपाल सिंह जाधव ने CCF APS सिंह, DFO अधर गुप्ता, SDO विनीत फुलवले के निर्देशन में गठित दल के साथ आसपास गांव में गंभीरता से तलाशी का अभियान चलाया जारी है। इस पूरे मामले को लेकर जब दूरभाष पर चर्चा की गई तो वन परिक्षेत्र अधिकारी छत्रपाल सिंह जाधव ने बताया कि 1 सप्ताह पूर्व प्रेशर बम खाने से मादा भालू की मौत हो गई थी। मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से 21 प्रेशर बम भी जब्त किए गए हैं। सभी को न्यायालय में पेश कर सभी को जेल भेज दिया गया है। साथ ही आसपास गांव में प्रेशर बम के बारे में पता भी की जा रही है।